रात के इस पहर मैं मौजूद हूँ मासूमा खान के साथ। हम इनसे कुछ ऐसी बातें पूछेंगे जो आपके, मेरे, हम सब के दिल के कुछ करीब हैं। तो आज का जो सवाल है जो इनसे हमने करना है और इसे लेकर आगे बढ़ना है वो ये है कि अक्सर रातों में, जिस रात में हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, तो ऐसी रातों में लोग देर तक क्यों जागते हैं और लोगों के जागने का ऐसा क्या मकसद है जो उन्हें रात के इस पहर इतनी तारीकी में, इतने गुमनामी में क्यों जगाए रखता है। तो मैं माइक आगे करूंगा इनके और ये बताएंगी हमें कि लोग क्यों जागते हैं। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने सूरत से वीडियो का हिस्सा बनाया। देखें, जिस तरह से आपने बात की है कि लोग क्यों जागते हैं, तो इसमें दो तरह के लोग आते हैं। एक वो जो इबादत खुदावंदी में जागते हैं, दूसरा वो जो दिल के मारे होते हैं। नहीं, अब आप कहना क्या चाह रही हैं कि भाई दिल के मारे लोग ज़्यादा जागते हैं या इबादत खुदावंदी में, ये ज़रा बताएं। नहीं, देखें, ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं कि कुछ लोग होते हैं कि वो खालिसतन इबादत के लिए जागते हैं और उनके टाइमिंग बनी होती हैं, पहर बने होते हैं कि हमें इस पहर ये नमाज है, ये इबादत, ये तस्बीह करनी है। लेकिन जिस किस्म की आप मुझसे, जिस किस्म का आप सवाल कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि आप किस तरह के जागने की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर लोग उस सेंस में जागते हैं कि जिस शख्स ने उनको धोखा दिया या जिस शख्स ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा, उसको याद करने के लिए जागते हैं या उसकी बातों को याद करते हैं जब इर्द गिर्द कोई नहीं होता, तो मेरे नज़दीक ये हिमाकत है। यानी किसी की धोखादही के बाद जागना बेसुदा। लेकिन ऐसा क्या है कि मतलब धोखा तो हो गया लेकिन वो जो है ना, जो झल्ला या झल्ली है वो उसी चक्कर में लगे हुए हैं, मतलब मकसद क्या है, ऐसी क्या बात है? मतलब अब तो हर चीज खत्म हो चुकी है लेकिन फिर भी ऐसी क्या बात है जो वो उसको जगाए रख रही है, ये सवाल। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोहब्बत बाकी है दिल के किसी ना किसी कोने में, इसीलिए तो वो उसको तड़पाती है और वो उसको जगाती है और वो झल्ला या झल्ली इस उम्मीद के साथ जाग रहे होते हैं कि कहीं वो जो सेकेंड वन है वो भी हमें इसी तरह से याद कर रहा होगा। लेकिन ये उनकी दरअसल मोहब्बत का खालिसपन है उनकी तरफ से। ठीक है जनाब, ये था हमारा आज का एक सवाल मुख्तसर सा, जिसमें हमने अपनी ख़ास गेस्ट मासूमा खान, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इनको हमने इनवाइट किया और इन्होंने आपको बताया कि इंसानी नफ्सियात के मुताबिक क्या क्या वजूहात हैं जो एक इंसान को रात के इस पहर जगाए रखती हैं और तड़पाए रखती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोगों के लिए ये जवाब मुआविन व मददगार साबित होगा। अपने मेज़बान मालिक अली ख़ान को दीजिए सपनेपन के साथ इजाज़त कि दोबारा से इन साइकोलॉजिस्ट को लेके आएंगे आपके नए नए सवालात के जवाबात के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, फ़ी अमानिल्लाह।